कभी कभी शीशा देखते हैं तो चेहरा फीका फीका और बेजान लगता है। शादी या मीटिंग जैसा कोई बड़ा इवेंट है, आप अच्छा दिखना चाहते हैं लेकिन आपकी स्किन मानती ही नहीं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सबको रेडियंट हेल्थी ग्लो चाहिए, लेकिन स्ट्रेस, पोल्यूशन, लाइफस्टाइल चॉइसेस, ये सब हमारी स्किन की नेचुरल वाइब्रेंसी कम कर देते हैं। नतीजा, चेहरा फीका फीका और आपका कॉन्फिडेंस कम। ऐसा होने पर फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है। हम सब चाहते हैं कि हम अपनी स्किन में कंफर्टेबल महसूस करें। अच्छी बात यह है कि आपकी स्किन का नेचुरल ग्लो वापस लाने के लिए नेचुरल सॉल्यूशंस मौजूद हैं। जब कम्प्लेक्शन डल हो जाता है तो हम जल्दी से जल्दी ठीक करने के बारे में सोचते हैं। मेकअप से प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए हाइड हो सकता है, लेकिन असली रीजन सॉल्व नहीं होता। इसी तरह हार्श केमिकल्स तुरंत रिजल्ट देने का वादा तो करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन क्विक फिक्सेस के कुछ नुकसान भी होते हैं। हैवी मेकअप से पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं और ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। दूसरी तरफ हार्श केमिकल्स स्किन के नेचुरल ऑयल्स को कम कर देते हैं, जिससे ड्राइनेस, इरिटेशन और प्रीमैच्योर एजिंग भी हो सकती है। ग्लोइंग स्किन के चक्कर में अपनी स्किन की हेल्थ को दांव पर न लगाएं। ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढना जरूरी है जो आपकी नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाए और साथ ही आपकी स्किन को नरिश और प्रोटेक्ट भी करे। यहीं पर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का कमाल शुरू होता है। प्रकृति में ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो आपकी स्किन को फिर से जीवंत कर सकते हैं और उसकी नेचुरल रेडियंस को वापस ला सकते हैं। सदियों से लोग अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल करते आए हैं, और वो भी किसी वजह से। ये टाइम टेस्टेड इंग्रेडिएंट्स जेंटल येट इफेक्टिव होते हैं और आपकी स्किन के साथ मिलकर विजिबल रिजल्ट्स देते हैं। ऐसा ही एक नुस्खा जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है, वो है DII फेस पैक। ये कोई आम फेस मास्क नहीं है, हम बात कर रहे हैं ऐसे पोटेंट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के मिश्रण की जो मिलकर डल कम्प्लेक्शन के असली कारणों को दूर करते हैं। एक ऐसे फेस पैक की कल्पना करें जो जेंटली डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करे, इम्प्यूरिटीज को बाहर निकाले और आपकी स्किन में जरूरी न्यूट्रिएंट्स भर दे। नतीजा, एक ऐसी ब्राइटर, स्मूदर और मोर रेडिएंट कम्प्लेक्शन जो अंदर से चमकती है। चलिए इस रिवाइटलाइजिंग फेस पैक के बारे में और जानते हैं और उन स्टार इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं जो इसे इतना इफेक्टिव बनाते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स न केवल आपकी स्किन को रिजुविनेट करते हैं बल्कि इसे एक नेचुरल ग्लो भी देते हैं। हनी हनी अपने ह्यूमेक्टेंट प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। ये मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है और रिटेन करता है, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड और सपल रहती है। इसके अलावा हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो एक्ने और ब्रेकआउट्स को कम करने में मदद करती है। लेमन विटामिन सी का एक नेचुरल सोर्स होने के कारण लेमन स्किन टोन को ब्राइटन करने में मदद करता है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है और कम्प्लेक्शन को इवन करता है। इसके अलावा लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जो स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, जिससे पोर्स अनक्लॉग होते हैं और स्किन स्मूथ बनती है। पपाया, इस ट्रॉपिकल फ्रूट में पापाइन होता है, एक ऐसा एंजाइम जो डेड स्किन सेल्स को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, जिससे नीचे की फ्रेश रेडिएंट स्किन दिखाई देती है। पपाया में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और एजिंग साइंस को कम करते हैं। मुल्तानी मिट्टी, एक तरह की मिट्टी जो अपने एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती है। मुल्तानी मिट्टी पोर्स से इम्प्यूरिटीज, एक्सेस ऑयल और डर्ट को बाहर निकालती है, जिससे आपकी स्किन साफ और रिफ्रेश्ड महसूस होती है। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी स्किन को कूल और सूथ भी करती है, जिससे इन्फ्लेमेशन और रेडनेस कम होती है। ये इंग्रेडिएंट्स जब सही मात्रा में मिलाए जाते हैं तो एक पावरफुल सिनर्जी बनाते हैं जो आपकी स्किन को डल और लाइफलेस से रेडिएंट और ग्लोइंग में बदल सकते हैं। इनका रेगुलर यूज आपकी स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और उसे नेचुरली हेल्थी बनाता है। लेकिन हेल्थी स्किन का सफर सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशंस तक ही सीमित नहीं है। हाइड्रेशन, बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी पीने से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, हेल्थी फूड से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और योगा से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। हनी, जो मेहनती मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया एक गोल्डन लिक्विड है, एक ह्यूमेक्टेंट है, जिसका मतलब है कि यह नमी को आकर्षित करता है और बरकरार रखता है। यह इसे त्वचा के लिए एक बेहतरीन नेचुरल मॉइस्चराइजर बनाता है। जब टॉपिकली लगाया जाता है तो हनी हवा से नमी खींचता है और इसे आपकी त्वचा में लॉक कर देता है।
जिससे यह हाइड्रेटेड और सफल रहती है। लेकिन हनी के फायदे सिर्फ हाइड्रेशन तक ही सीमित नहीं है, इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है जो इसे इरिटेटेड स्किन को सूद करने और रेडनेस को कम करने में इफेक्टिव बनाते हैं। हनी एंटीऑक्सीडेंट्स का एक नेचुरल सोर्स है जो फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले एनवायरमेंटल डैमेज से त्वचा की रक्षा करने में मदद करते हैं। अपने स्किन केयर रूटीन में हनी को शामिल करने से आपकी त्वचा की टेक्सचर और अपीयरेंस में काफी सुधार हो सकता है। यह स्कार्स को फेड करने, रिंकल्स की अपीयरेंस को कम करने और एक यूथफुल ग्लो को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। पपाया, एक ट्रॉपिकल फ्रूट, सिर्फ एक स्वादिष्ट फल ही नहीं बल्कि एक स्किन केयर सुपरस्टार भी है। इसके रिमार्केबल स्किन बेनिफिट्स का राज इसमें मौजूद पपेन नामक एक एंजाइम में छिपा है। पपेन एक नेचुरल एक्सफोलिएंट है जो डेड स्किन सेल्स को धीरे से घोल देता है। हेल्थी कम्प्लेक्शन को बनाए रखने के लिए रेगुलर एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी है। यह क्लॉग्ड पोर्स को रोकने में मदद करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपीयरेंस को कम करता है और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बेहतर अब्सॉर्प्शन की अनुमति देता है। पपाया विटामिन ए, सी और ई का भी एक समृद्ध स्रोत है। ये विटामिन्स त्वचा को पोषण देते हैं और उसे स्वस्थ और चमकदार बनाए रखते हैं।